पंचायत कीड़ी में बीते दिनों घटित स्थानीय लोगों व वन विभाग टीम में वारदात अब दूर पकड़ता नजर आ रहा है, जिसके चलते पंचायत मसरूड़ के प्रधान एवं समाज सेवी नरेश रावत ने पंचायत कीड़ी में वन विभाग की टीम पर जो स्थानीय मुस्लिम लोगों ने हमला किया है उसकी कड़ी निंदा की है। इस संदर्भ में जारी एक बयान करते हुए पंचायत मसरूड़ प्रधान एवं समाज सेवी नरेश रावत ने कहा कि वन विभाग की टीम पर हमला किया जाना निंदनीय है। उन्होंने कहा कि पकड़े गए लोग गरीब और अल्पसंख्यक का राग अलाप रहे हैं। अगर उनके पास लकड़ी नहीं पकड़ी गई थी तो उन्होंने वन विभाग की टीम पर हमला क्यों किया। उन्होंने कहा कि 35 से 40 लोगों ने एक साथ मिलकर वन विभाग की टीम पर हमला क्यों किया, जबकि वे पुलिस को भी इन्फॉर्म कर सकते थे। इससे साफ जाहिर होता है कि ये हमला उन लोगों पर योजनाबद्ध तरीके से था। रावत ने कहा कि वन विभाग की टीम के साथ इंसाफ किया जाए। उन्होंने कहा कि डीसी चंबा के माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को पूरा मामला विशेष रूप से अवगत करवाया जाएगा तथा हिंदू लोगों पर ये कोई पहला मामला नहीं है, इन्होंने जानबूझकर हिंदू लोगों को निशाना बनाया है। इससे पहले भी शिला घराघरात के गांव में कुछ हिंदू लोगों पर मुस्लिम लोगों ने मिलकर हमला किया था। रावत ने कहा कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ा जाए, नहीं तो स्थानीय हिंदू समाज एकजुट होकर कोई बड़ा आंदोलन छेड़ने से गुरेज नहीं करेंगे। मैं नरेश रावत, प्रधान ग्राम पंचायत मसरूड़ और समाज सेवी हूँ। मैं ये मांग करता हूँ कि जो पिछले दिनों ईडी के सालुई गांव में जो वन विभाग की टीम पर हमला किया गया था, वहां के स्थानीय मुस्लिम लोगों ने जो ये षड्यंत्र रचा, और निश्चित तौर पर जब लकड़ियों की ऐसी सूचना आती है तो वन विभाग कार्रवाई करता है, लेकिन सोची समझी चाल के तहत जो है वो इन लोगों ने वन विभाग की टीम पर हमला किया। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि वहां के लोग और जिस तरह से वो कम्युनिटी का ये विषय उठा रहे हैं कि हमारी कम्युनिटी के लोगों पर जो है वो ये ऐसा हो रहा है, लेकिन मैं ये सरकार से मांग करता हूँ कि जो भी ये लोग इस प्रकार की गतिविधियों में लगे हुए हैं, वन माफिया और ये सारी चीजों में इनका जो है पूर्ण रूप से हाथ है, तो मैं ये निवेदन करता हूँ सरकार से और SP चंबा से कि जल्द ही जो लोग जो इसको राजनीति का रंग दे रहे हैं और अल्पसंख्यक का मामला कह रहे हैं कि हमारे मुस्लिम लोगों पर ऐसा हुआ है, तो निश्चित तौर पर इस पर जो वो सख्त कार्रवाई करे और जो क्रॉस FIR की गई है उसको रद्द किया जाए, क्योंकि वन विभाग की टीम जो है वो अपनी ड्यूटी पर थी। अगर ऐसा नहीं किया जाता है और दोषियों को जो है वो थाना में नहीं जो गिरफ्तार किया जाता या उनको बुलाया नहीं जाता, तो निश्चित रूप से हम सभी चंबा के लोग जो स्थानीय जो है वो जो ये मुद्दा उठा हुआ है चंबा में, हम इस बारे में पूरा जो है वो संज्ञान लेंगे और सब लोग जो लोकल जो है वो जो साथ में है, क्योंकि इन लोगों ने बहुत सारी जो स्मगलिंग में मिले हुए हैं, जड़ी बूटियों से लेकर और हर प्रकार का जो ये दो नंबर का काम करते हैं, लेकिन जब भी पुलिस की टीम और ये वन विभाग के लोग जाते हैं तो ये मार जो है वो मार पिटाई पर उतर आते हैं। और इसका उदाहरण आप साक्षात दे सकते हैं कि सुनील कुमार पर जो हमला हुआ है और उनकी टीम पर, तो मैं निश्चित रूप से माननीय हमारे मंत्री राकेश पठानिया जी से, जो वन मंत्री हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप जल्द ही जो इस विषय पर कार्रवाई करें और दोषियों को सजा दें। आपका फैसला न्यूज़ TV के लिए जिला चंबा से ब्यूरो चीफ MM डैनियल की रिपोर्ट।